हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी, जो कि बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ आटा, गेहूं का आटा है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इसमें 1 चम्मच चीनी डालें। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल डाल दें। ऑयल डालने से लिट्टी जो है वो आपकी खस्ता बनेगी। इसमें पानी डाल देंगे और एक डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी हो चुका है, अब इसे ढक के रख देंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सातू, अदरक कटा हुआ, जवाइन, काला जीरा, लहसुन यानी गार्लिक, हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज और नींबू का रस। सातू में डाल देंगे कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जवाइन और काला जीरा। इसमें डाल देंगे अचार का मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद नींबू का रस डालेंगे। इन सब को मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी बाइंडिंग के लिए। स्टफिंग जो है वो इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से लड्डू बन जाए। मसाले अब रेडी हो चुके हैं। इसी तरह आप सारे पेड़ों को भर ले। इसे भी प्रेस करते हुए इस तरह से बंद कर दे। इस तरीके के सारे सभी को रेडी कर ले। सभी पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। इसे मैं 2 तरीके से आपको बेक करके दिखाऊंगी। इसे मैंने बेकिंग ट्रे में लिया है, इसे ओवन में बेक करूंगी। यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड लिया है, आप चाहें तो किसी तरह का प्लेट यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं कुकर में बेक करने जाऊंगी। इसके ऊपर आप दूध से ग्रीस कर दें। सभी के ऊपर मैंने दूध लगा दिया है। यहाँ मैंने कुकर लिया है, इसमें नमक डाल दिया है और ये नमक बहुत बार मैंने बेक किया हुआ है इसमें। तो इसमें डाल देंगे स्टैंड। और कुकर को मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। इसमें डाल देंगे ये स्टैंड। और इसके बाद आप इसे बंद कर दें। इसे आप आधे घंटे के लिए बेक करें। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे। इसे बेक करेंगे आधे घंटे के लिए। 30 मिनट हो चुका है, मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह का बना हुआ है। और यहाँ मैंने कुकर में बनाया है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बेक करें, आप दोनों ही जगह बेक कर पाएंगे, कुकर और ओवन में। मैंने यहाँ पे कटोरी में घी लिया हुआ है और इसमें एक एक करके सारे लिट्टी को डुबोएंगे।
सभी को इसी तरह से आप इसमें डिप कर ले। ये और भी टेस्टी लगेगा खाने में। लिट्टी रेडी हो गया है, इसे मैंने चोखा के संग सर्व किया है। अगर लिट्टी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।